एवरीवन, मेरा नाम है गजानन और आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आप लोग काफ़ी सारे पुराने व्यूवर्स होते हैं या तो आप काफ़ी सारे पुराने यूजर होते हैं जो कि डब्बा मोबाइल यूज करते हैं, तो कुछ भी एंड्रॉइड मोबाइल है वो यहाँ से आप परचेस कर लेते हैं। तो देन गाइस, उसके बाद आपको कोई भी नंबर आपको सेव करना होता है तो आप घाई गड़बड़ी में सेव कर देते हो और उस नंबर को गाइस आप फिर से यहाँ पर एडिट करना चाहते हैं। तो कैसे एडिट कर सकते हैं ये मैं आज की इस वीडियो में आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से बताने लोग फ्रेंड्स। और उसके काफी सारे नंबर्स को आप आपके मोबाइल पर सेव करते हो और उसके सेव करने के बाद फ्रेंड्स आपको ये पता नहीं चलता कि ये नंबर किसका है। एक नंबर है गाइस, मोबाइल नंबर, उस बंदे का फोटो आप उसके मोबाइल नंबर के साथ आप आपके मोबाइल पर कैसे सेव कर सकते हैं ये भी तरीका आपको यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ, इसलिए वीडियो में एंड तक बने रहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, हम चलते हैं हमारे मोबाइल की स्क्रीन में और जान लेते हैं कि कैसे क्या करना सारे प्रोसेस को। और गाइस, उसके इसके बाद भी फिर से एक नई वीडियो आने वाला है उस जिसमें कि मैं आपको सारा प्रोसेसिंग बताऊंगा कि जिस भी बंदे का आपके पास मोबाइल नंबर है उसका आप सारा बायोडाटा, जैसे कि व्हाट्सअप नंबर है या नहीं, उसका जॉब, उसका वेबसाइट, उसका जीमेल आईडी और बहुत कुछ भी यहाँ पर ऑप्शन है गाइस, वो यहाँ पर आप कैसे फिल कर सकते हैं ये भी मैं आपको इसके बाद नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें आपको वेरी सिंपल तरीके से और स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताने वाला हूँ। इसलिए गाइस, आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक मिलते रहे। तो चलिए गाइस, हम चलते हैं हमारे मोबाइल की स्क्रीन में और जान लेते हैं कि कैसे नंबर को एडिट कर सकते हैं। तो गाइस, सबसे पहले इसके लिए सबसे पहले आपको मोबाइल पर चले जाना है। होम स्क्रीन पर आने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर होम स्क्रीन पर हम आ गए हैं। उसके बाद आपको जिस भी बंदे का यहाँ पर आपको नंबर को एडिट करना है उस नंबर पर आपको चले जाना है। तो सिंपली से गाइस, मैं आपको ये वाला फर्स्ट वाले नंबर को यहाँ से एडिट करके बताने वाला हूँ। तो गाइस, जिस भी नंबर को आपको एडिट करना है उस नंबर के बगल में आपको एक राउंड वाला आइकन दिखेगा। तो सिंपली सा इस राउंड वाले आइकन पे क्लिक करना है। जैसे हम यहाँ पर इस राउंड वाले आइकन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमें इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। तो यहाँ पर आप ऊपर में देख सकते हैं स्टार के बगल में आपको एक ऑप्शन दिखेगा जहाँ पर कि दो डॉट्स है। तो यहाँ पर आपको दो डॉट्स पर क्लिक करना है। जैसे हम यहाँ पर क्लिक करते हैं तो उसके बाद एक ऑप्शन आएगा एडिट का। तो सिंपली सा इस एडिट वाले आइकन पर क्लिक करना है। जैसे गाइस हम यहाँ पर एडिट वाले आइकन पर क्लिक करते हैं तो उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह का इंटरफेस आएगा और यहाँ से आप जो भी आप यहाँ से वर्ड काटना चाहते हो यहाँ से काट सकते हैं और लिख भी सकते हैं। तो यहाँ से गाइस ये बात, तो यहाँ से गाइस एक पॉइंट तो क्लियर हो गया कि यहाँ से आप इस तरह से आप यहाँ से कोई किसी भी नंबर को या तो किसी भी वर्ड्स को यहाँ से आप क्लियर कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। देन गाइस, अभी यहाँ पर बात आती है बंदे की फोटो लगाने की। तो गाइस, फोटो लगाने के लिए यहाँ पर एक कैमरे का ऑप्शन दिखेगा। सिंपली सा बात है, इस वाले कैमरे वाले आइकन पर क्लिक करना है। कैमरे वाले आइकन पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर दो ऑप्शन दिखेंगे, टेक फोटो और सिलेक्ट फोटो का। तो हम गाइस यहाँ पर आप जैसे ही टेक फोटो पर क्लिक करते हो तो टेक फोटो पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर कैमरा ओपन हो जाएगा और यहाँ से आप तुरंतली जिस भी बंदे का फोटो लेना चाहते हो यहाँ से आप फोटो ले सकते हैं। अदरवाइज गाइस नीचे में एक ऑप्शन मिलता है सिलेक्ट फोटो का। तो हम जैसे ही सिलेक्ट फोटो पर क्लिक करते हैं तो हम चले जाते हैं यहाँ से हमारी गैलरी पर और गैलरी से गाइस यहाँ से आप कोई भी फोटो को यहाँ पर लगा सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ से एक फोटो को लगा कर दिखाते हैं। तो जिस भी फोटो को यहाँ से आपको लगाना है उस फोटो पर आपको क्लिक करना है। इस फोटो पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा जो कि एडिट का है। तो यहाँ से आपको जितना कुछ लगाना है आपको उतना लगा देना है और यहाँ से आपको डन पर क्लिक करना है। तो डन पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं इस बंदे के आइकन पे फोटो लगा है। और देन गाइस, फोटो फोटो सब लगाने के बाद यहाँ से राइट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे गाइस हम यहाँ पर राइट वाले आइकन पर क्लिक करते हैं तो इस तरह का इंटरफेस आएगा और यहाँ पर इस नंबर पर देखिए फोटो लग चुका है। तो इसके बाद फ्रेंड्स जब भी ये बंदा हमको फोन करेगा तो यही वाला जो आइकन है, यही वाला फोटो है हमारे मोबाइल में दिखेगा। तो इस फोटो को हम देखकर समझ जाएंगे कि किस बंदे ने हमें फोन किया है और उसका नाम भी, साथ ही उसका नाम भी हमें यहाँ पर दिखेगा। तो इसी तरह से फ्रेंड्स आपकी इच्छा से फ्रेंड्स आप आपके मोबाइल पर किसी भी बंदे का फोटो उसके मोबाइल नंबर के साथ सेव कर सकते हैं। तो गाइस आप आपके मोबाइल से ही एडिट कर सकते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स कि आप इस वीडियो को देखने के बाद समझ गए होंगे, जान गए होंगे कि कैसे फोटो ऐड करते हैं मोबाइल नंबर के साथ और कैसे मोबाइल नंबर या तो नेम चुक गया तो उसको एडिट करते हैं। तो गाइस आपको इस वीडियो से ज़रा सा भी नॉलेज मिला हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा पसंद आए हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाले नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक मिलते रहे। तो मिलते हैं किसी इंटरेस्टिंग सा नए वीडियो टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।